जग्गू तो परेशान दिख रहा है। क्या बात है, चुटकी नहीं आई? अरे यही तो परेशानी है, चुटकी जिद पकड़ कर बैठी है कि उसे अपनी एक पुरानी अलमारी ठीक कराने ले जाना है। अच्छा, तो दिक्कत क्या है? बात ऐसी है कि वो अलमारी खुल नहीं रही है। चलो चुटकी की अलमारी को उस बूढ़े कारीगर के पास ले चलते हैं। अरे भीम, राजू, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जग्गू अकेला मेरी मदद नहीं कर सकता था। हमें एक बग्घी चाहिए होगी इस अलमारी को उस कारीगर के पास ले जाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि यह बूढ़ा कारीगर जंगल के उस तरफ रहता है। मैं तो थक गया। हम काफी देर से इसे धक्का लगा रहे हैं, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। क्या है वहाँ? पक्षी है क्या? हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी है, सुबह से वहाँ बैठी है। तो कालिया और मैं दोनों कोशिश करेंगे, जो उसे पहले पकड़ेगा वो जीतेगा और उसे घर ले जाएगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है राजू। हाँ राजू, पक्षी की जगह पेड़ों पर होती है, घर में नहीं। ठीक है कालिया, हम हैं? कालिया कहाँ है? कालिया नहीं। क्यों, मैं जीतने वाला हूँ। बहुत सी अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो जंगल की जादूगरनी मुझसे छीनना चाहती है। उसने मेरे हाथों में जादुई चाबी से ताला लगा दिया है, इसलिए मैं उड़ भी नहीं पा रही। जल्दी ही वो मुझे चाबी ढूंढनी है, वरना। अच्छा तो ये यहाँ है। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो कुछ ढूंढ रहे हो? ये क्या था? भीम, कोई जादूगरनी आके चिड़िया को उठा के चली गई। हमें कुछ तो करना ही होगा। कुछ नहीं कर सकते, वो चिड़िया हमारी राजकुमारी है। अगर उस जादूगरनी ने हमारी राजकुमारी की शक्तियाँ छीन ली तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी राजकुमारी को बचाऊंगा। मैं भी। वहीं रहती है वो जादूगरनी। जाओ, भाग के कहाँ जाओगे? शुक्रिया भीम। कालिया, अगर तुम उस वक्त वहाँ पेड़ के ऊपर नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। धन्यवाद। क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ? बड़ा मजा आ रहा है उड़ने में। क्या बात है।
देखो आसमान में बादल छा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ढोलकपुर पहुंचने से पहले हम बारिश में फंस जाए। आज हाथ में कुछ तो लगना चाहिए, तुम दोनों जल्दी करो। ये भीम यहाँ पर क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। मुझे भी दिख रहा है बेवकूफ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये अलमारी किसकी है? भीम तो थका हुआ है, इसकी आँखों के सामने इसकी अलमारी उठा ले जाते हैं। और भीम कैसे हो, इस अलमारी में क्या लेकर आए हो हमारे लिए? उफ, तुम लोग, हमें भी नहीं पता कि इस पुरानी अलमारी में दादी ने क्या रखा है, हम इसे कारीगर के पास ले जा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, चलो चलो उठो तुम सब, इस बग्गी को धक्का दो, अब इस अलमारी में जो भी होगा वो हमारा होगा, चलो धक्का दो इसे। देखो वो रहा कारीगर का घर। क्या बात है, आखिर पहुँच ही गए, अब पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा हाथ मारा है। ये तो ऐसी ही खुल गई। क्या है इसमें, मुझे देखना है। हाँ? ये क्या मजाक है, इसमें तो अचार भरे हुए हैं। ये लो, मेरी दादी को अचार बनाने का शौक था, इस अलमारी को यहाँ तक लाने के लिए धन्यवाद। पता भी नहीं चला कि मैं कितने पराठे खा गया।